हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महान अवतार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो अपनी वैकेंसी लेके आए हैं वो है उड़ीसा पुलिस चयन बोर्ड में ड्राइवर के पदों की वैकेंसी निकली है, जो कि बहुत ही शानदार है। और आपकी जो लोकेशन कौन सी रहने वाली है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। बहुत ही शानदार जॉब है दोस्तों। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हो किसी और विषय की, या कहीं भी आप बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो। तो इसमें करना कुछ नहीं होता आपको, शाम के समय पेट्रोलिंग वगैरह कुछ होती है, बाकी सारा दिन आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो। तो उड़ीसा पुलिस में चालक की भर्ती के लिए दोस्तों 405 पदों के लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, सारी अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। वीडियो लास्ट तक दोस्तों वॉच करना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अपनी क्या है कि ड्राइवर से संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनका नोटिफिकेशन और वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करेंगे इसमें आपकी क्या क्या क्राइटेरिया रहे, क्या क्या इन्होंने एज लिमिट मांगी है, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो उड़ीसा पुलिस चयन बोर्ड यानी कि कटक, जो इसकी राजधानी है दोस्तों, सॉरी भुवनेश्वर राजधानी, तो कटक इसका एक शहर है। उड़ीसा पुलिस में पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर के पदों के लिए 405 रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना प्रकाशित हो गई है दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा चैनल तभी वीडियो बनाते हैं दोस्तों जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया होता है, सिर्फ अखबार की कटिंग के लिए कभी भी अपने वीडियो नहीं बनाई है। तो उड़ीसा पुलिस ड्राइवर 2024 का चयन ब्रिक्स और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा दोस्तों, और उम्मीदवारों को 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि दोस्तों बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दी गई है, यानी कि अभी भी आपके पास 10-12 दिन बाकी पड़े हैं। तो आपने बिना देरी किए हुए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। मैं दोबारा आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर दोबारा बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन है जो मैं आपके टेलीग्राम चैनल है हमारा महाराणा प्रताप क्लासेस के नाम से ही मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में, तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको वहां मिलेगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अच्छी तरह से आपने रीड करना है, और अगर आप इसमें एलिजिबल हो दोस्तों तभी आपने उसमें फॉर्म भरना है, वरना अपना समय और पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। तो उड़ीसा पुलिस में चालक की भर्ती के लिए जो आयु सीमा दोस्तों इन्होंने रखी है, तो भर्ती की आयु सीमा दोस्तों इन्होंने कम से कम 18 वर्ष रखी है और अधिकतम इन्होंने 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा राज्य के नियमानुसार आयु में जो छूट है वो दी जाएगी, यानी कि जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं उनको आपको जो आयु सीमा में छूट होती है वो हर एक स्टेट के लिए होती है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 3 वर्ष 5 वर्ष का, वो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं जो उनके लिए छूट होगी। वरना आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हो तो दोस्तों आप जनरल में काउंट होंगे, आपकी फ़ीस वगैरह जो भी है, जो भी आपकी मेरिट वगैरह बनेंगे वो जनरल में काउंट होंगी, ना कि आपकी एससी एसटी ओबीसी के लिए आप अपने राज्य में हो, तो उड़ीसा के लिए उनको छूट दी जाएगी। अब अपने बात कर लेते हैं उड़ीसा पुलिस में चालक की वेतन भर्ती के लिए। तो मिनिमम दोस्तों सीधा सा बात है, सिंपल सा फंडा, हालांकि फिर भी मैं इसमें आपको बता दूंगा, किसी भी सरकारी भर्ती के लिए चाहे आप चपड़ासी ही क्यों ना लगे, मान के चल लीजिए 32,000 से लेकर 40,000 के बीच बीच में आपकी सैलरी रहने वाली होती है। उपरोक्त पदों की वेतनमान की बात करें तो दोस्तों 52,000 से लेकर 20,200 रुपये की ग्रेड पे की 2,000 रुपये ORSP यानी कि 2008 वेतन बैंड एक लेवल 5 ORSP 2017 के अनुसार होगा। सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते को स्वीकृत किए जाएंगे, यानी कि मिनिमम आपकी खाते में जो इनकम आएगी दोस्तों 35,000 प्लस ही आएगी, उससे कम नहीं आएगी। अब अपनी बात कर लेते हैं कि उड़ीसा पुलिस चालक पात्रता मानदंड क्या है, यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा है लाइसेंस चाहिएगा, और ये सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो उम्मीदवार को उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट संस्थान से हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उड़ीसा के ही मान्यता से होने, उन्होंने कहा है कि किसी और स्टेट का मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बल्कि किसी प्रकार से कोई फर्जी नहीं होना चाहिए। तो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त से आप हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास होने चाहिए। उम्मीदवार को एक विषय के रूप में उड़ीसा के साथ
हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको उड़ीसी भाषा का दोस्तों ज्ञान होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक भाषा को उसमें स्कूल या मास शिक्षा विभाग उड़ीसा द्वारा आयोजित MI मानक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से कोई राजस्थान से संबंधित राजस्थानी भाषा में आपका एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा होना चाहिए, या आप उड़ीसा से मंगाए तो आपका उड़ीसा से होना चाहिए। बहुत ही शानदार जॉब है उड़ीसा के लिए। अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो मैं मान के चलता हूँ अगर वो अप्लाई कर देता है तो कहीं ना कहीं वो इसमें सेलेक्ट ही हो पाएगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। उम्मीदवार का उड़िया भाषा में बोलने पढ़ने लिखने का सक्षम ज्ञान होना चाहिए। ड्राइविंग क्षमता उम्मीदवार के पास हल्के मोटर वाहन भेद ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आप अगर आपके पास LMB लाइसेंस भी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा पुलिस चालक के लिए आवेदन शुल्क की क्या है। तो सामान्य या OBC श्रेणी के लिए दोस्तों इन्होंने 100 रुपये शुल्क रखा है, और SC ST दिव्यांग अगर आप हो तो उसके लिए इन्होंने कोई चार्ज नहीं रखा है, यानी कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। भुगतान की विधि आप ऑनलाइन या अधिकृत बैंक चलान के द्वारा भी कर सकते हो। आजकल सभी गूगल पे फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते हैं, तो सारे ऑनलाइन करना चाहेंगे। 100 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 100 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। अब आप बात कर लेते हैं उड़ीसा पुलिस चालक का चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। तो अगर कोई कैंडिडेट भाई तैयारी कर रहा है, इसमें फॉर्म एलिजिबल किया है, तो मुझे इस वीडियो के अंत में कमेंट कर देना, मैं उसकी आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा उसकी वीडियो आपको प्रॉपर बता दूंगा। अभी कौन से ऑप्टिकल आएंगे, कौन कौन से वाहन मिल रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में, एक वीडियो जब इनका साक्षात्कार होएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अब अपने बात कर लेते हैं उड़ीसा पुलिस चालक भर्ती 2024 आपने आवेदन कैसे करना है, यानी कि आप सबसे पहले उसमें कैसे कर पाओगे अगर आप उसमें एलिजिबल हो। तो योग्य उम्मीदवारों को उड़ीसा पुलिस ड्राइवर 2024 के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल opdriver.cbexam.com पर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से निम्नलिखित चरण शामिल हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण भरें, यानी कि अपना नाम पता, फिर योग्यता विवरण यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान को स्कैन करके तस्वीरें अपनी अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 31/10/2024 दोस्तों नहीं है, इसकी तिथि बढ़ाकर 15/11/2024 शाम के 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। 15/11/2005 बजे तक इसकी तिथि है जो बढ़ा दी गई है दोस्तों, और इस तारीख से पहले पहले दोस्तों आपने इसका फॉर्म भर देना है, क्योंकि इस तारीख से पहले आपने लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन है, कौन सा आपने ऑफलाइन भर के इसको कहीं भेजना है, डाक के द्वारा तो हो तो चलो, फिर भी बंदा कहे भी 3-4 दिन पहले भेजेंगे तभी पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। आपने अभी भी 10 दिन पड़े हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, और रेडी करवाने के बाद आपने अपनी जो फॉर्म अच्छी तरह से मित्र पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बहुत से कैंडिडेट की ये भी कमेंट आएगा कि ये वीडियो तो उड़ीसा के लिए थी, आपने हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया, इतनी दूर इतने तक क्यों लेके आए। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राजस्थान हरियाणा दिल्ली वाले ही इसको देख रहे हो, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट उड़ीसा भाषा में उसने डिप्लोमा किया हो, या किसी प्रकार का उड़ीसा से ही कोई देख रहा हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बिना वजह कोई फालतू कमेंट करने से अच्छा है आप अपनी स्टडी पर ध्यान दो। अब अपने बात कर लेते हैं उड़ीसा पुलिस चालक 2023 सूचना और उड़ीसा के ऑनलाइन आवेदन की कहां से करना है। तो opdriver.cb.exam.com इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, वहीं से आप अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा आप तक वीडियो पहुँचाने का मकसद यही है कि आप अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करो दोस्तों। और ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। और ड्राइव से संबंधित जितनी भी प्रकार की कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो हमारे इसी चैनल पर बहुत सी वीडियो डाले हुए हैं, आप उन वीडियो को देख के आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें तैयारी कर सकते हो। और अगर किसी भाई ने बुक के द्वारा तैयारी करनी है तो दोस्तों मैं आपको एक PR ऑफिशियल
एजुकेशनल चैनल है, बहुत ही शानदार तरीके से भाई साहब तैयारी करवाते हैं। हालांकि मेरा किसी प्रकार से उनसे साथ कोई लिंक नहीं है या मुझे कोई भी वो प्रमोशन के लिए कुछ ऐड देने के लिए भी कोई नाम ले रहे हैं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा हर स्टूडेंट को यही सपना है कि वो अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करे। और अगर आप उसकी जेन्युइन तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हो तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियो देख के अपना जो उनकी बुक है, बहुत शानदार बुक है, तो वो बुक परचेज कर सकते हो। डीआर ऑफिस एजुकेशनल ऑफिसियर है दोस्तों, बहुत ही शानदार सर हैं और बहुत शानदार पढ़ाते हैं। तो मैंने दोबारा फिर आपको बता दिया कि मुझे मेरा कोई किसी प्रकार से उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ ऑथेंटिक डाटा अगर आप तक पहुँच सकता है तो मैं इसीलिए पूछा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद जय भारत। 2025 में दोस्तों आप अपने माता पिता का जरूर सपना पूरा करें। एक वीडियो मैं राजस्थान रोडवेज पर वैकेंसी आ रही है उसके लिए बनाऊंगा। तो जय हिंद जय भारत।